हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो झंसार टेक। झंसार टेक पे देखो अब क्या हो रहा है। मैंने हर गिरावट में बोला इसको होल्ड रखिए, प्रॉफिट बुक मत कीजिए, ये रिजल्ट्स के बाद फिर से अप होगा। अभी 502 पे ट्रेड कर रहा है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 502 503 के आसपास इसकी ट्रेडिंग चल रही है, पर इसमें बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आया आज के दिन में। आईटी के रिजल्ट आ रहे, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट प्ले ये है कि रिजल्ट आ रहे इसलिए ये शेयर चल रहा है। अब इसमें क्या करना है ये देखो, ये अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो इसने क्या किया आज के दिन में, जितने भी इसके हर्डल्स थे, मतलब पिछले 3 4 5 6 7 दिनों के, इसको इसने आज के दिन में क्रॉस किया है। अब इसके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा, मैं लेवल्स आपको बताऊंगा सिर्फ ये वीडियो में। ये एक लेवल होगा 524 एंड देन 550। अगर 550 के ऊपर जाता है, और ये एक लेवल होगा 555 के ऊपर जब क्लोज क्लोजिंग देगा तो ये आराम से 600 के भी ऊपर जाएगा। झंसार टेक में पोजीशन होल्ड रखनी है, रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आए तो बहुत बढ़िया ये शेयर चलेगा, तो इसमें पोजीशन होल्ड करके चलो। अगर आज के दिन में अपर सर्किट लगता है जो कि है 558 का, इसका आज का अपर सर्किट है, तो अगर ये आज अपर सर्किट पे लगा तो ये यहाँ से मूवमेंट बहुत बढ़िया दे सकता है। तो झंसार टेक में पोजीशन होल्ड करो। अभी के हिसाब से तो मुझे ये पॉजिटिव लग रहा है। आईटी पैक, आईटी का जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव चल रहा है। अगर आईटी इंडेक्स देखे तो 2.33% अप है, तो ये एक बात हो गई। और देखो आईटी का चार्ट देखो कैसे, ये डेली फ्रेम का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, 1 मिनट का निफ्टी आईटी जो कि कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, इसलिए सब आईटी शेयर में आग लगी पड़ी है। ये शेयर बहुत ऊपर जाएंगे यहाँ से भी, तो पोजीशन तो होल्ड रखनी है। अभी आईटी में आपको क्लियर जैसे ही रिजल्ट सीजन आने लगा क्या दिखाई दे रहा है, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न आईटी के लिए बहुत सही है, इसमें पोजीशन बिल्कुल बना के रखो, होल्ड रखो। कभी मत सोचो कि आईटी ओवरबॉट हो चुका है, जो डिमांड है वो तो चलती रहेगी। तो ये आईटी अभी जब 37820 के ऊपर निकलेगा तो इसमें और जोर से ब्रेकआउट होगा, और तब ये जितने भी शेयर से आईटी वाले ये सबसे पहले परफॉर्म करेगी। तो झंसार टेक को पोजीशन होल्ड करके चलो। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से रिजेक्शन मिला, 504 से इसे रिजेक्शन मिला आज के दिन में, तो ये लेवल क्रॉस करेगा, फिर इसके बाद इसे हर्डल है नेक्स्ट 524 का, फिर ये मतलब बहुत सारे हर्डल है। अभी इसे आज के दिन अगर अपर सर्किट लगा तो ये आने वाले टाइम में बहुत तगड़े रिटर्न्स देगा। झंसार टेक को होल्ड करके चलिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अभी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 460 का, और इसमें पोजीशन होल्ड रखनी है।